Welcome you on BSR Maths Guru. बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल BSR Maths Guru पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है, रीट 2020 का नया सिलेबस आ चुका है। उसमें कुछ विषयों में कुछ भाग में कटौती हुई है और कुछ भागों में बढ़ोतरी भी हुई है। ठीक है, तो अपने इस चैनल पे आज से रीट 2020 सेकेंड लेवल की मैथ्स की तैयारी, मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं आपके, उन सब की तैयारी क्रम से शुरू करेंगे। इसके सिलेबस जो चेंजेस हुए हैं उसका मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल के इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो आता है घातांक। स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम मैथ्स लेवल सेकंड की, और जल्द ही हम फर्स्ट लेवल के मैथ्स की भी तैयारी शुरू कर देंगे। आज सेकंड लेवल के अंदर जो अपना टॉपिक आता है वो आता है घातांक। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडिसेस, इंडिसेस। ठीक है, शुरुआत किसी भी विषय की, किसी भी टॉपिक की हो तो बात होती है उसकी डेफिनेशन से। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ से शुरुआत करते हैं घातांक की, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम ऊपर तक लेके जाएंगे। वैसे आपके जो पहले रीट के अंदर जो सिलेबस था उसके अंदर घातांक के साथ ये करणी भी ऐड करता था, घातांक और करणी भी आता था, लेकिन अब ये आपके सिलेबस से हट गया है। अब हट गया मतलब ये नहीं कि आपके वर्गमूल आएगा नहीं, वर्गमूल जो है उसका अलग से टॉपिक दिया है, वर्ग और वर्गमूल का। जब वो टॉपिक आएगा तब हम उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। घातांक कहते किसे हैं, क्या चीज़ होती है, तो कहते हैं घातांक की डेफिनेशन के बारे में परिभाषा ये कहती है कि किसी भी राशि के, कोई भी संख्या आपको दे, किसी भी राशि या किसी संख्या के सिर पर बैठा मान, सिर पर बैठा मान घातांक कहलाता है। कोई भी संख्या आपको दे, उसके ऊपर अगर कोई मान बैठा है, किसी संख्या के सर के ऊपर यानी उसके ऊपर भी अगर कोई मान है, तो वो मान जो होता है वो क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। ठीक है, ये आ गई घातांक की परिभाषा कि घातांक कहते किसे हैं। एक बार फिर से चलते चलते देख लें, किसी संख्या के सिर पर बैठा मान उस संख्या का क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि मैंने कोई संख्या ली दो और दो के ऊपर मैंने तीन और बिठा दिया, तो ये क्या कहलाता है, दो की घातांक कहलाती है तीन, इसे हम दो की घात भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई घात या घातांक, जिसे हम इंग्लिश में पावर बोलते हैं। ऊपर जो मान बैठा है वो पावर या घातांक हो गया, और जो नीचे जो मान बैठता है उसे हम आधार या बेस कहते हैं, आधार या बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो है परिभाषा कि घातांक होता क्या है। तो किसी संख्या के सर पर बैठा जो मान होता है वो मान उस संख्या का क्या कहलाता है, घातांक या घात कहलाती है। जो नीचे मान रहता है उसे कहते हैं आधार, और सर पर वाला जो मान होता है वो पावर यानी घात हो जाती है। ठीक है, आपके रीट सेकंड लेवल के अंदर घातांक जो है वो दो चीज़ें आएंगी घातांक के अंदर। एक तो घातांक के अंदर आएगा घातांक नियम, यानी घातांक के जो नियम होते हैं वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, उनसे संबंधित सारे जितने भी भाग हैं, जितने भी नियम हैं वो सारे हम पढ़ लेंगे। और उसके बाद हमारे एक टॉपिक और आएगा, यानी इससे संबंधित जो सवाल पूछता है वो क्या पूछता है, समान आधार वाली संख्याओं के गुणा और भाग। किसके, समान आधार की संख्याओं के, इसके अंदर आधार जो होगा वो आपको समान देगा, समान आधार का गुणा और भाग। ये दो टॉपिक है आपके घातांक से संबंधित। आपको पेपर में दो क्वेश्चन पूछता है, दो क्वेश्चन पूछता है जिनमें मोस्टली जो है वो आधारों से संबंधित सवाल होता है। हालांकि घातांक नियमों से भी सवाल आ जाता है, तो हम उनको भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने घातांक के नियमों से। घातांक के नियमों में ज़्यादा तो नहीं है, 5-6 नियम है जो आपको बिल्कुल इजी बेस, आपका बिल्कुल इजी कर देंगे सवालों को समझना। ठीक है, तो पहले नियम की हम की बात करें तो पहला नियम कहता है कि अगर कोई संख्या है उसके ऊपर घात है m,
और उसके ही गुणा में कोई संख्या पड़ी है b, उसके ऊपर घात जो है वो है n या m मान लो, ये लो। अगर कोई दो संख्याएं हैं, एक a है और एक b है, a के ऊपर भी घात m है, b के ऊपर भी घात m है, दो संख्याएं जिनका आधार, अभी नीचे वाला आधार हो गया ना, आधार तो उनका अलग अलग है और घातें उन पर दोनों पे समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे आधारों का, और उन पर घात जो दोनों में कॉमन है या सेम है वो एक लगा देंगे। ये घातांक का पहला नियम है। उदाहरण की हम बात करें, जैसे आपको ये बोल दिया दो की घात तीन है और पाँच की भी घात तीन है, तो हम कह सकते हैं दो गुणा पाँच पूरे की घात तीन होगी, यानी दो पाँच दस हो गए, पूरे की घात कितनी हो गई, तीन हो गई। ये पहला नियम है। उसके बाद आगे जो नियम की बात करें वो ये कहता है, अगर ए के ऊपर घात है एम है, ए के ऊपर घात एम है, फिर एक कोई संख्या ए और है उसके ऊपर घात एन है और बीच में गुणा का निशान है, इसका मतलब क्या हुआ, जब आधार समान है, घातें अलग अलग है, आधार सिमिलियर है, दोनों के अंदर ए ए है, घातें दोनों की अलग अलग हो गई, इसमें घात एम है और इसमें घात एन है और बीच में गुणा का निशान है, निशान जो है वो किसका है, इसके बीच में गुणा का है, तो जब आधार समान है, घातें अलग अलग है और बीच में गुणा का निशान है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कहेंगे कि आधार वही रहेगा जो दोनों में सेम है और घातें जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी। जैसे आपको ये बोल दे तीन की घात दो है गुणा तीन की ही घात जो है वो तीन है, दोनों में हम बात करें तो आधार दोनों का सेम आया है, आधार कितना कितना आया है दोनों में, आधार जो आया है वो दोनों में तीन तीन आया है, और घात की हम बात करें तो एक में घात जो है वो दो है और एक में घात जो है वो तीन है, घात दोनों की क्या है, अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि आधार आपका वही रहेगा, तीन था तो तीन का तीन रहेगा और घातें जो है वो आपस में प्लस हो जाएंगी, दो प्लस तीन यानी कितना हो गया, तीन की पावर कितनी हो गई, पाँच। ये घातांक का दूसरा नियम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें घातांक के तीसरे नियम की, जो आपसे कहता है कि अगर एक संख्या कोई ए है उसके ऊपर घात एम है और अब की बार बीच में गुणा का निशान नहीं है, बीच में भाग का निशान है, और फिर एक कोई संख्या है a उसके ऊपर घात n है, यानी दोनों में आधार समान है, दो संख्याएं जिनके आधार समान है, घातें एक में m है और एक में n है, यानी घातें दोनों में अलग अलग हो गई और बीच में भाग का निशान हो गया, तो हम क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे कि आधार वही रहेगा a का a और घातें जो है वो आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी, यानी m माइनस n हो जाएंगी। ये घातांक का तीसरा नियम है। देखिए कैसे, तो आपको ये बोल दे दो की पावर पाँच है, भाग के अंदर दो की पावर दो और है, दोनों में आधार जो है वो दो दो आया, एक में घात पाँच है एक में घात दो है, तो घातें दोनों में अलग अलग हो गई, तो हम कह सकते हैं कि आधार दोनों का वही रहेगा और घातें आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, यानी पाँच माइनस दो यानी कितना बचा, दो की पावर जो है वो कितनी आ गई, तीन आ गई। ये घातांक का जो है वो तीसरा नियम है। उसके बाद आगे जो चौथा नियम है वो ये कहता है कि अगर कोई संख्या है a, ठीक है, उसके ऊपर कोई घात है m, चौथे नियम की बात कर रहा हूँ मैं, कोई संख्या है a उसके ऊपर घात है m और इसके ऊपर फिर पूरे पे घात जो है वो है n, इसका मतलब क्या हुआ, कोई संख्या के ऊपर घात आ गई, कोई संख्या के घात के ऊपर घात आ गई, तो हमारा जो नियम है वो क्या कहता है, तो नियम कहता है कि आधार a की तो है आधार, आधार तो कोई है ही नहीं और एक m है और एक n है, तो आधार तो एक ही है और वो है a, और घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी m गुणा n हो जाएगा। ये घातांक का जो है वो है आपका चौथा नियम। कैसे, जैसे मान लो आपको दिया पाँच की घात दो और इस पूरे के ऊपर घात जो है वो तीन दे दी, पाँच की घात थी दो और उसके ऊपर भी घात कितनी दे दी, तीन दे दी, यानी घात के ऊपर आ गई घात, और जब घात के ऊपर घात आ जाती है तो हमें नियम का पता है कि घात हर वही रहे पाँच और घातें आपस में जो क्या हो जाएंगी, गुणा में आ जाएंगी, तो पाँच की पावर कितनी हो गई, छः हो गई। ये है आपका घातांक का चौथा नियम। उसके बाद घातांक का जो है वो पाँचवा नियम ये आता है कि अगर कोई संख्या a है उसके ऊपर घात है m और बटा में कोई संख्या फिर a है और उसके ऊपर, या फिर b मान लो, b लो
ये तो अपना हो गया था। कोई संख्या बी है उसके ऊपर जो है वो घात भी है एम। कोई दो संख्याएं ए और ए बी दे रखी है, ए के ऊपर भी घात एम है और बी के ऊपर भी घात जो है वो एम है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि आधार दोनों में एक साथ आंसर में आ गया ए बटा बी, और पूरे पे घात क्या लग जाएगी एम लग जाएगी। ये घातांक का पांचवा नियम है। उसके बाद घातांक का जो छठा नियम कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई संख्या ए है, कोई संख्या ए है उसके ऊपर घात आपको दे रखी है ज़ीरो, उसके ऊपर घात दे रखी है ज़ीरो, कोई संख्या ए उसके ऊपर घात दे रखी है ज़ीरो, तो याद रखो उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा ही कितनी होगी एक होगी। अगर कोई संख्या के ऊपर घात आपको ज़ीरो दे रखी है तो उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा ही कितनी होगी एक होगी। जैसे मैं ये कहूँ दो के ऊपर घात ज़ीरो है तो मान बताओ नीचे आधार कितना भी बड़ा हो कोई मतलब नहीं है, हमें घात देखनी है। अगर घात उसकी आपको ज़ीरो दे रखी है या ज़ीरो बता रहा है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि उसका मान हमेशा ही कितना होगा एक होगा। ये है घातांक का आपका छठा नियम। उसके बाद घातांक का एक नियम और आता है सातवां, जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि अगर कोई संख्या है ए और उसके ऊपर घात जो दे रखी है वो दे रखी है माइनस एम, कोई संख्या ए है और उसके ऊपर घात जो है वो माइनस एम दे रखी है, यानी घात जो है वो किस में दे दी ऋणात्मक दे दी यानी माइनस में दे दी, और जब घात माइनस में दे तो कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर आपके पास माइनस में है तो हम उसे हल कर ही नहीं सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक वो घात जो है वो किस में ना आ जाए प्लस में ना आ जाए। तो अगर कोई संख्या की घात माइनस में दे रखी है तो अपना काम है उस घात को पहले प्लस में लेके आना, माइनस में घात दे रखी है तो उसे प्लस में लेके आना, और प्लस में लेके आने के बाद ही हम उसका जो है वो मान निकाल सकते हैं। तो ए की घात अगर माइनस एम दे रखी है तो हम उस घात को प्लस में करेंगे, और प्लस करने का नियम क्या कहता है, प्लस करने का नियम कहता है कि घात जो है वो प्लस में हो जाएगी, लेकिन कब, जब आप आधार को पलट देंगे। अब इसका आधार कुछ नहीं था, बटा कुछ नहीं है तो एक लगा सकते हैं, तो ए बटा एक बोल सकता हूँ मैं, कोई चक्कर नहीं है। और उसके ऊपर अगर घात माइनस की है और हमें उस घात को प्लस में करना है तो हम जो आधार है आपका उस बेस को आपको पलटना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, अंश उसे हर कर देंगे और हर उसे अंश कर देंगे। तो ये क्या बन गया, एक बटा ए और पूरे की घात क्या हो गई, प्लस की एम हो गई। अगर घात ऋणात्मक दे रखी है तो हम उसे इस नियम से प्लस में कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो आपको दे दिया तीन की घात माइनस दो, तीन की घात माइनस दो। अब घात अगर सीधी दो होती तो हम मान निकाल सकते थे, लेकिन माइनस दो आया तो माइनस दो है मतलब नहीं निकाल सकते, तो हम इसे पहले प्लस में करेंगे, और प्लस में बदलने करने के लिए हम क्या करेंगे, तीन को पलटेंगे। तो तीन को पलटा तो एक बटा तीन हुआ, और पूरे पे घात जो थी माइनस की थी वो अब किस में बदल गई, प्लस में बदल गई। ये घातांक के मुख्य नियम है। अब चलते चलते एक बार घातांक कहते किसे हैं, नियमों पे नज़र दौड़ाई ली, उसके बाद हम चलते हैं सवालों पर। मोस्टली सवाल जो है वो आपसे दो प्रकार से संबंधित पूछता है, एक तो घातांकों से नियमों से संबंधित, और एक जो है वो समान आधार की संख्याओं से, समान आधार की संख्याओं के गुणा और भाग से सवाल पूछता है। ठीक है, चलते हैं फिर। समान आधार की संख्याओं से संबंधित अगर हम सवाल उठाएं तो सवाल जैसे बनता है आपका, कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन हम समान आधारों की बात कर रहे हैं, तो समान आधारों का एक सवाल लें। जैसे मान लो आपको ये बोला कि 5 की पावर 6 भाग दे रखा है 5 की पावर 2, और आपसे कहे इसका मान बताओ कितना होगा। ठीक है, तो समान आधारों की संख्याओं के जब गुणा भागों की बात करेगा ये, तो सवाल वो ही देगा जिससे संबंधित आपने नियम पढ़े हैं, नियमों से संबंधित ही सवाल आएगा, हटके सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 की पावर 6 भाग 5 की पावर 2 दे रखी है, तो यहाँ पे अब सोचो जो 6 नियम हमने किए थे, 7 नियम थे अपने लास्ट वाला, तो ये माइनस वाला था, तो 7 नियम किए थे, उन 7 में से कौन सा अप्लाई हो रहा है, आधार दोनों का समान है, बीच में भाग का निशान है और घातें अलग अलग है। यानी ऐसा नियम हमने पढ़ा था कि अगर ए की पावर एम भाग ए की पावर एन है, आधार दोनों का समान घातें अलग अलग हो तो उसी आधार पे जो है वो घातें क्या होती है, घट जाती है, तो एम माइनस एन हो जाएगा। तो सवाल क्या बना आपका, आधार वो का वही रहेगा और घातें आपस में घट जाएंगी, तो 5 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। ये सवाल है आपका, आधार समान हो तो। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको ये बोल दे कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात जो है वो 4 है, ये सवाल दूसरा है, ये पहला था।
ठीक है। अब दो की तीन गुणा दो की चार, तो बात वापस वहीं पे आती है, दोनों का आधार तो है वो तो समान है और घातें दोनों पे अलग अलग है। तो नियम आपके पास है कि जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो आधार वही रहता है और घातें आपस में जुड़ जाती है, तो m प्लस एन हो जाएगी। तो इसे लिखें तो आधार वही रहेगा और घातें तीन प्लस चार, यानी कितनी हो गई, दो की पावर सात हो गई, ठीक है। संबंधित सवाल यही है। उसके बाद और सवाल लें तो आपको ये बोल दे, जैसे दो की पावर तीन गुणा तीन की भी पावर तीन, दो की भी पावर तीन है और तीन की भी पावर तीन है। इस सवाल में हम ध्यान से देखें तो दोनों की घातें समान कर रहा है अब की बार ये, लेकिन आधार जो है वो एक में दो है और एक में तीन है, यानी आधार समान नहीं है। आधार समान नहीं है और घातें समान है, तो ऐसा नियम हमने पढ़ा था कि a की पावर m है गुणा b की भी पावर m है, तो हम कह सकते हैं कि आधारों का गुणा होगा a गुणा b और घात जो है वो की वो रह जाएगी। तो आधारों का गुणा होगा तो दो गुणा तीन होगा और पावर तीन की तीन रह गई, दोनों पे तीन ही थी, तो कितना मिल गया, छः की पावर तीन मिल गई, ठीक है। और बात करें तो दो की पावर तीन दे दी आपको, दो की पावर कोई तीन है और गुणा कह रहा है दो की पावर ज़ीरो है, दो की पावर तीन है गुणा दो की पावर ज़ीरो है, तो इसमें अगर हम घातांक नियम लगाएं तो वो भी लग रहा है, और अगर बिना घातांक के लगाएं तो भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है दो की पावर तो तीन है लेकिन दो की पावर ज़ीरो भी है, ज़ीरो है तो मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, एक होगी। तो आपको उत्तर कितना मिल गया, दो की पावर तीन मिल गया। आगे बात समझ में। अब ये तो थे बेसिक सवाल नियमों से संबंधित, कई बार थोड़ा सा सवाल जो है वो आपको घुमा के भी दे देता है, घुमा के दे देता है। अब एक सवाल इस घातांक नियमों से संबंधित और है, वो करें तो देखो ज़रा। सवाल आपको कह रहा है माइनस दो, उसके ऊपर घात माइनस दो और फिर पूरे पे घात माइनस दो, माइनस दो उसके ऊपर घात माइनस दो फिर पूरे पे घात माइनस दो। यानी नियम की मैं बात करूँ घातांक नियम की, तो अपना नियम लग रहा है घात के ऊपर क्या आ रही है, घात, और जब घात के ऊपर घात आती है तो हमें पता है नियम क्या कहता है, ए कोई संख्या है उसके ऊपर घात एम है और उसके ऊपर घात एन आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, घातों का आपस में क्या होना है, गुणा होना है। तो पहले इसे सरल करें तो माइनस दो ये पढ़ाई था और घातों का आपस में गुणा होगा, तो माइनस दो का गुणा होगा माइनस दो से, तो कितना मिल गया, माइनस दो तो पढ़ाई था आधार, और माइनस माइनस प्लस हो गया, दो का दो से गुणा किया चार हो गया, तो माइनस दो की पावर कितनी मिल गई आपको, चार मिल गई। घातांक नियम ही लगाए, यानी सात जो घातांक नियम है उनसे संबंधित आपको सवाल पूछेगा, कई बार आपको घुमा घुमा के भी सवाल पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बोल दे एक कोई सवाल है, एक बटा दो है उसकी घात जो है वो माइनस एक बटा दो है, और आपसे कह रहा है सरल करो या मान बताओ, तो एक बटा दो है उसकी घात जो है वो माइनस की एक बटा दो है, तो इसे हम देखें तो घात जो है वो आपकी किस में आ गई, माइनस में आ गई, और माइनस घात को हम हल कर नहीं सकते, तो अपना काम क्या होगा, इस माइनस को प्लस में ले आना, और प्लस में कैसे लेके आ सकते हो आप, आपको पता है अगर a की घात माइनस एम है तो नियम लगता है आधार पलट जाता है तो घात जो है वो धनात्मक हो जाती है, निशान बदल लेती है घातें जो होती है वो अपना, तो मैं इस घात को प्लस में करना चाह रहा हूँ तो एक बटा दो को पलट के लिखूँगा तो दो लिख दिया और घात क्या हो गई, एक बटा दो। अब दो की घात एक बटा दो हो गई, तो एक बटा दो का मतलब होता है वर्गमूल यानी अंडर रूट, तो इसे आप रूट दो भी बोल सकते हैं। आगे बात समझ में। अब थोड़ा सा हटके सवाल, यानी थोड़ा सा ये तो इजी थे, इजी पैटर्न थे ताकि आपको आसानी से समझ में आए, अब थोड़ा सा इनसे हटके चलते हैं सवालों को। जैसे आपको कोई सवाल दे दे, यानी अभी तक हमने जो सवाल किए वो संबंधित थे किससे, अपने घातांक नियमों से, घातांक के जो नियम थे उनसे संबंधित थे। अब आपसे ये कह रहा है कि आप जो है दो की पावर साठ, ठीक है, उसके बाद आप मान लो तीन की पावर अड़तालीस, चार की पावर छत्तीस और पाँच की पावर जो है वो दे दी आपको चौबीस, ये कोई संख्याएं दे दी, दो की साठ, तीन की अड़तालीस, चार की छत्तीस और पाँच की पावर चौबीस, और आपसे ये कह रहा है इन संख्याओं में बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है।
ठीक है। तो हम देख के तो ये नहीं बता सकते क्योंकि न तो इनमें आधार समान है और न ही इनमें घाते समान है। तो हम देख के तो ये नहीं कह सकते कि इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो हम इसे कैसे करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 की पावर 60 है, 2 की पावर 60 है। इसे अगर मैं ये कहूँ 2 की पावर 60, तो 60 को अगर मैं बदलना चाहूँ तो किस में बदल सकता हूँ? 15 चौके 60, यानी एक बात आप ध्यान से देखें, और 12 पंजाबी 60, एक बात आप ध्यान से देखें तो 24, 36, 48 और 60 ये किसके गुणक आ रहे हैं? ये सारे के सारे जो चारों ऊपर घात दे रखी है वो 12 के गुणक आ रहे हैं। सारे के सारे ये जो है वो 12 के गुणक आ रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको 12 के गुणक में ही तोड़ के रखें। अब जैसे 60 है, 60 को हम 12 5 60 बोलते हैं, 12 5 60 होता है। तो मैंने 2 की पावर 60 को ऐसे बोल दिया कि 2 ऊपर 60 था, तो इसे मैं 12 × 5 बोलूँ तो कोई चक्कर नहीं है। बात तो एक ही है, 12 5 60 ही तोड़ें। अब देखो, अब मैं इसे ये बोल रहा हूँ 2 की पावर 5 और पूरे पे घात 12। बात तो वही है, घात के ऊपर घात आ गई तो घातों का क्या होना है? गुणा ही तो होना है। तो 2 की पावर 5 और ऊपर घात कितनी लगा दी मैंने? 60 लगा दी, ठीक है, सॉरी 12 लगा दी। उसके बाद हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा था 3 की पावर 48, तो इसे फिर तोड़ना चाहें तो 12 किसे तोड़ेंगे? 12 4 48, 4 × 12, ठीक है। अब इसे हम लिखना चाहें तो 3 की पावर 4 और गुणा घात कितनी है? 12। ये तो हुआ। उसके बाद हम बात करें 4 की पावर 36 की, तो 4 की पावर 36 कितनी है? 4 की पावर 36 है, तो 4 को क्या बोल सकते हैं हम? 4 × 12 बोल सकते हैं, 4 × 12 बोला जा सकता है। और इसे हम बोलें तो 4 की पावर 4 और ऊपर घात कितनी आ गई? 12, ठीक है। अब आगे देखें तो 5 की पावर जो है वो है 24, 5 की पावर 24, इसे हम बोलें तो 5 की पावर 12 × 2, तो क्या हुआ? 5 की पावर 2 और घात कितनी आ गई? 12। अब ये सभी घातें जो है वो आपकी सेम आ गई, 12 12 12 12, ठीक है। अब इससे अंदर वाली जो संख्या है उसे हम हल करके देखें, तो 5 की घात 2 और पूरे पे घात थी 12, तो 2 की 5 यानी 2 को 5 बार गुणा करना, 2 को अगर हम 5 बार गुणा करें तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, यानी 32 की पावर कितनी आती है? 12 आती है, ठीक है। 3 की पावर 4 है और उस पर 12 है, तो 3 की 4 है मतलब 3 को 4 बार गुणा करना, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, 81 की पावर 12 आ गई। 4 की पावर 4 है यानी 4 को 4 बार लिखकर गुणा करना है, तो 4 4 16 16 चौके 64, और 4 की पावर 4 कैसे 36 है ना, तो 12 3 36, ये लो 4 की पावर 36 थी, तो 12 3 36 होते हैं ना, तो 4 3 बार है, तो 4 4 16 16 चौके 64 और ऊपर घात कितनी है? 12 है। और 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 यानी 25 और ऊपर घात कितनी है? 12 है। अब इसे हम ध्यान से देखें तो इन संख्याओं की हमने घात जो थी वो समान कर ली, 12 12 12 और 12। अब घात समान होगी तो आपको पता लग गया, जब घातें समान है तो जिस संख्या का आधार बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है। जब घातें समान हो तो जिसका आधार बड़ा है वो संख्या बड़ी होती है, और जब आधार समान हो यानी छोटी बड़ी की हम बात करें, तो अगर ए कोई संख्या है जिसकी पावर है m, ठीक है, और b कोई संख्या है जिसकी पावर है n या फिर m, समान आधार की बात कर लें, और आपको ये कह रहा है a जो है वो संख्या बड़ी है b से, तो हम क्या बोलेंगे? घातें समान है तो जिसका आधार बड़ा है वो बड़ी होगी, तो a आधार बड़ा है तो ये संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। कॉमन सेंस की बात है, वही मैं यहाँ पे लगाई कि यहाँ पे किसी का भी आधार और घात समान नहीं थी, तो मैंने इनको तोड़ के इस प्रकार ले आया कि सभी की जो घातें हैं वो बराबर हो जाए। अब घातें बराबर हो गई तो हम देखें तो जिसका आधार बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी, तो इसमें आधार बड़ा कौन सा है? ये बड़ा बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी होगी, और ये मान किसका है? 3 की पावर 48, यानी इस सवाल में 3 की पावर जो 48 है वो क्या होगी? सबसे बड़ी। अब इसमें घुमा के ये भी पूछ देता है कि इसमें सबसे छोटी संख्या भी बताओ, तो इसमें अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो कौन सी है सबसे छोटी संख्या? 25 की पावर 12 है, यानी 5 की पावर 24 जो है वो क्या है? सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। इस प्रकार के भी सवाल देता है। अब आपसे
इसके अलावा अगर कोई सवाल पूछे तो इस प्रकार के सवाल कई बार ये करता क्या है, दो आधार समान दे देता है और एक की तो घात आपको दिखा देता है, बता देता है, लेकिन एक संख्या की जो घात है वो आपको बताता नहीं है, बताता नहीं है मतलब उसे कोई अननाउन नंबर या चर राशि बोलते हैं, जिसे चर राशि के रूप में वो लिख देता है कि चर राशि के रूप में, जैसे मान लो उसने M लिख दिया, N लिख दिया, K लिख दिया और आपसे बोलेगा जो M, N या फिर K आया है उस M, N या फिर K की जो वैल्यू है वो बतानी है। जैसे आपको सवाल दे दे माइनस तीन की पावर जो है वो M प्लस एक है, कोई भी सवाल, यानी इसमें हमने बोला कि आधार जो है वो क्या कर देता है, इक्वल कर देता है, तो माइनस तीन की पावर जो है वो एम प्लस एक है, पूरे माइनस तीन की जो घात है वो एम प्लस एक दे रखी है और साथ में कोई संख्या दे दे, जैसे मान लो माइनस तीन की पावर जो है वो दे दी पाँच, कोई भी संख्या दी, हमने आधार समान रखा है और बराबर ये बोल दे कि तीन की पावर जो है वो सात है। ये लो सवाल क्या बोले, माइनस तीन की घात एम प्लस एक गुणा माइनस तीन की घात पाँच और बराबर तीन की पावर सात, और आपसे सवाल ये कह रहा है कि इसमें ये जो m आया है इस m की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ये जो m आया है इस m की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि कोई भी संख्या a है और इधर भी a है तभी बराबर होता है, यानी जब दोनों तरफ समान संख्या हो और उनकी घातें भी समान हो तभी बराबर होता है, यानी मैं कहूँ दो बराबर होता है दो के, सबको पता है। अगर मैं ये कह दूँ कि चार जो है वो बराबर होता है दो के, तो आप बोलोगे जी नहीं होता। ठीक है, हालांकि हम चार को क्या बोल सकते हैं, दो की सुकेर बोल सकते हैं, तो दो की सुकेर जो है वो दो के बराबर नहीं हो रही और यहाँ पर बराबर हो रही है, आधार तो इसमें भी समान था, आधार तो इसमें भी समान है, लेकिन फ़र्क किसका आ गया, घात का, इसमें दोनों पे घात एक एक है और इसमें यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हो रहे। यानी याद रखो कोई भी दो संख्याएं बराबर कब हो सकती है, जब उनके आधार भी समान हो और उनकी घातें भी समान हो। अब ये दोनों बराबर बता रहा है मतलब इनकी आधार तो हमें दिख ही रहे हैं, मतलब इनकी घातें भी क्या होगी, बराबर होगी, जब घातें बराबर होगी तो वहाँ से हम m की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। पहले इसे हल करने की बात करें तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, दोनों का आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो घातें आपस में जुड़ेंगी, नियम हमारे पास है a की पावर m गुणा a की पावर n वाला, तो a की पावर m प्लस n लगता है, आधार समान है, घातें अलग अलग है, बीच में गुणा का निशान है, तो घातें आपस में जुड़ेंगी, तो हम इसे जोड़ेंगे तो माइनस तीन की जो पावर है वो क्या मिली, m प्लस एक और प्लस का पाँच और बराबर पड़ा है तीन की पावर सात। ठीक है, तो माइनस तीन की घात जो है वो क्या हो गई, m प्लस छः बराबर क्या पड़ा है, तीन की पावर सात। अब देखो दोनों बराबर भी है, आधार भी समान है, ये भी माइनस तीन था, माइनस तीन था क्योंकि आधार हमने समान लिया। अब आधार समान है और घातें जो है वो आपको दिख अलग अलग सी रही है, लेकिन दोनों कह रहे हैं बराबर है, ये बराबर तभी संभव हो सकता है जब दोनों की क्या हो, घातें भी समान हो, तो हम बोलेंगे चूंकि m प्लस छः जो है वो बराबर होगा किसके, सात के, क्योंकि ये दोनों बराबर तभी संभव है जब उनकी घातें भी क्या आ जाए, बराबर आ जाएँ, तो m प्लस छः बराबर होगा किसके, सात के, तो प्लस का छः इस तरफ आया, माइनस का आ गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई, सात माइनस छः, यानी इस सवाल में जो m है वो कितना मिलेगा आपको, एक मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से संबंधित भी आपको ये सवाल पूछ लेता है। तो आपसे कितने भी प्रकार के सवाल पूछे, मोस्टली जो सवाल आपसे इस टॉपिक से उठाएगा वो पूछेगा समान आधार का गुणा और भाग, समान आधारों का गुणा और भाग। ठीक है, और उसके बाद दो नंबर जो बात से सवाल पूछता है वो पूछता है घातांक नियमों से, और हमने घातांक नियमों के भी सवाल किए हैं और समान आधार के गुणा और भाग भी किए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है। अब भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ रीड से संबंधित मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूँ कि रीड सेकंड लेवल के पीडीएफ फाइलें जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ और नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।